तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई मजेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट कर सभी लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग जो है वो GTA V गेम खेलते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने 70% लोगों ने कहा था कि हम लोग जो है GTA V गेम खेलते हैं। बहुत से लोग कमेंट कर मुझसे कह रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें GTA V के सभी चीट कोड बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम आप सभी को इनके चीट कोड बताने वाला हूं, तो आप लोग जो बारी बारी कर सभी के चीट कोड है वो देख लेना। अभी मैं आपको सभी के सभी चीट कोड बताने वाला हूं, तो अभी आप लोग देख लीजिए। चीट कोड जो हमारा दूसरे नंबर का चीट कोड है वो है 1442। जैसे आप लोग 1442 डायल करते हो तो आप लोगों के सामने एक स्कॉर्पियो आ जाती है। नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो है वो है 1443। जैसे आप लोग 1443 डायल करोगे तो आप लोगों के सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर में। नेक्स्ट हमारा है 1444। जैसे आप लोग 1444 डायल करोगे तो ये एक और गाड़ी आ चुकी है ग्रीन कलर के अंदर। नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो अभी होने वाला है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, साइड में चला जाता हूँ थोड़ा, 1445। जैसे आप लोग 1450 डायल करोगे तो आप लोगों के सामने ये नैनो गाड़ी आ जाती है जो कि टाटा ने बनाई थी, टाटा नैनो। अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो है वो होने वाला है 1451। जैसे आप लोग 1451 डायल करोगे तो आप लोगों के सामने एक मस्त गाड़ी आ जाती है, आप लोग देख सकते हो। वैसे इसके अंदर सभी गाड़ियों का कलर जो वो ग्रीन ही इतना ज़्यादा क्यों है, कॉमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट चीट कोड जो हमारा वो आ चुका है, ये थार का है। वैसे मेरे को इतनी थार ही अच्छी नहीं लगी, इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर थार जो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, लेकिन इसके टायर जो वो कुछ थोड़े ज़्यादा अलग हैं उससे। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा जाकर इसे ड्राइव कर देखता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी है या फिर नहीं है। वैसे देखता हूँ मैं थोड़ा चलाकर, इसके कंट्रोल इतने ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर कंट्रोल जो वो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर व्हीकल जो है इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम से मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा हैं। आप लोगों को क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताना, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, आप लोग सही हूँ। अभी हम आपको जब अगले नेक्स्ट चीट कोड बताने वाला हूँ तो प्लीज़ तैयार रहें सभी लोग। अभी मैं अपना सेल फोन निकाल लेता हूँ और अभी आप लोगों को जो वो नेक्स्ट चीट कोड बताने वाला हूँ। तो हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो है वो होने वाला है 1122। जैसे आप लोग 1122 डायल करोगे तो आप लोगों के सामने जो पुलिस थार देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी कार है पुलिस थार। नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो है वो होने वाला है 4x77। जैसे आप लोग 4x77 डायल करोगे तो भाई सब DJ बाइक, मतलब क्या ये DJ, वो भी बाइक के ऊपर लगा दिया, गजब। अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो वो होने वाला 7070। जैसे आप लोग 7070 डायल करोगे भाई साहब इनविजिबल बाइक, नहीं दिखाने देने वाली बाइक, किसी को नहीं दिखती, गजब भाई। अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो है वो होने वाला है, तो अभी मैं डायल पैड निकाल लेता हूँ, और हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो है वो होने वाला है 3232। जैसे आप लोग 3232 डायल करोगे तो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हो रॉकी बाइक की जो बाइक है उसके ऊपर भी इन्होंने DJ लगा दिए, मतलब जहाँ पर दिखो वहीं पर DJ लगा दो। नेक्स्ट हमारा चीट कोड है 4x00, तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो वो लोइन आ चुका है। जैसे हम 4x00 डायल करेंगे, और नेक्स्ट चीट कोड है 0101। ओ भाई सब ज़ॉम्बी, ये तो मेरे को मारने के लिए आ रहा है, कितना खतरनाक ज़ॉम्बी है भाई साहब। IT भी इसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो अभी मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट चीट कोड बता लेता हूँ जो कि टार्जन कार का है 2x00। नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो है वो अभी होने वाला है, नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो मिस्टर बैन की कार 4x33। जैसे आप लोग 4x33 डायल करोगे मिस्टर बैन की कार है, इनकी कार की छत के ऊपर जो आप लोग देख सकते हो एक सोफा लगा हुआ है बैठने के लिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहें सभी लोग, सभी के सभी देख लें, 1331 जो कि है रॉकी भाई की बाइक का, आप लोग देख सकते हो रॉकी भाई की जो बाइक है हमारे सामने आ चुकी है। अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो होने वाला है 1332, ये ब्लू कलर में बाइक आ चुकी है। अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड जो होने वाला है 1333। जैसे हम लोग 1333 डायल करेंगे तो हम लोग के सामने एक KTM बाइक आ चुकी है। नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो होने वाला 1334, तो भाई साहब ये बाइक तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब क्या गजब, कितनी छोटी बाइक है और भाई साहब इसकी स्पीड तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। मैं अभी आप लोगों को चलाकर दिखा देता हूँ, आप लोगों को तो मतलब यकीन ही नहीं होगा भाई साहब कितनी खूंखार चलने वाली है। इसके आप लोग टायर भी देख सकते हो, इसकी स्पीड जो वो सबसे ज़्यादा तेज़, आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है, और इसको चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई साहब। मतलब आप लोग एक बार ये गेम ट्राई कर जरूर देखो, जो लोग नई गेम खेलते हैं वो भी एक बार ट्राई कर इसे ज़रूर देखना। ये देखो भाई साहब क्या खतरनाक पहाड़ों के ऊपर जा रहे, वाह भाई साहब मज़ा आ गया, कुछ भी कहो ये गेम खेलकर पूरा मज़ा आ गया मेरे को तो। वैसे इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम भी अच्छा, ये बात नहीं कि वो गेम अच्छा नहीं है, लेकिन ये गेम भी अच्छा है, बैड नहीं है।
मतलब उसके गेम के जैसा ही गेम है, टक्कर वाला गेम है। वैसे इसके अंदर मेरे को थोड़ा करेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और इसके कंट्रोल भी कुछ इतने ज़्यादा अच्छा नहीं लगे। वैसे आपको कौन सा गेम ज़्यादा अच्छा लगता है कॉमेंट कर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और मैंने आप सभी लोगों को जो सभी के सभी चीट कोड नहीं बताए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन सभी के चीट कोड बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को चीट कोड ही बताऊँगा, ज़्यादा बकवासबाजी कुछ नहीं करूँगा। इसके अंदर थोड़ी बकवास है वो कुछ ज़्यादा हो चुकी है। तो बाय बाय।